यूपी के देवरिया जिले में जिला प्रशासन ने कई अवैध पेट्रोल कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। इस दौरान बोतालपुर तेल डिपो के आसपास के घरों से अधिकारियों ने नकली तेल बनाने के केमिकल समेत अन्य सामान बरामद किए। कार्रवाई के दौरान कई कारोबारियों ने अवैध तेल को नालियों में बहा दिया। ये बैतालपुर के समीप इटवा गांव में यहाँ ऑयल कंपनी का ऑयल डिपो है और यहाँ पूर्व में भी शिकायत थी, लेकिन आज संयुक्त पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा एक अभियान चलाया गया। इसमें राज और SDM सदर और क्षेत्राधिकारी सदर सिटी CEO सिटी उनके नेतृत्व में, और इसमें भारी मात्रा में जो है यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पकड़े गए हैं। उसके साथ ही साथ सॉल्वेंट जिसको मिला के फिर इसको बेचा जाता था, तो ये सारी चीज़ें अभी कार्रवाई चल रही है। इसका फर्द बन रहा है जो जब्ती कर, भारी मात्रा में ये पकड़ा गया है। और इसमें जो भी मुझे लग रहा है करीबन 5 से 10 हज़ार लीटर के बीच में जो है ये, और जगह भी यहाँ दबिश दी जा रही है। यहाँ कप्तान साहब भी मौके पर, मैं हूँ, एडिशनल SP साहब हैं, ADM साहब हैं, संयुक्त रूप से ये कार्रवाई चल रही है। और इसमें जो भी दोषी हैं, कुछ जो घर के अंदर इन्होंने छिपा रखा था, एक तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, इसको रखने के लिए लाइसेंस होता है, तो तमाम जो कठोरतम धाराएं हैं उनकी लगाई जाएंगी। और पूरा एक गैंग था, तो गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई है। बाकी डिटेल साहब आपको बताएंगे। ठीक, पुलिस संबंध